अरे कहना क्या चाहते हो? सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंशिप। कैसे हैं आप? एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं फिर से आ गई हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मेरा शरारत इमोजी चैलेंज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड किए थे और अब मैं लेकर के आ गई हूँ उसका पार्ट टू। यानी गाइस, मैंने शरारत के और भी न्यू कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, सो उनका लेकर के आ गई हूँ मैं पार्ट टू। इसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। जब भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो, नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। सो मैं अपने सारे इमोजीज देखने वाली हूँ अपने फोन में, आप लोग को इमोजी शो होने वाले आप लोगों की स्क्रीन पे। मुझसे पहले गैस कर लेते हो तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है वो आप लोगों को शो हो रहा होगा, उसका नेम डी से स्टार्ट होता है एंड कोई बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर है उसके लिए आया होगा आई थिंक। एंड साथ में कुछ एक लड़का है, फीमेल कैरेक्टर ऐसा कुछ लग रहा है देखने में। सो डी से नेम स्टार्ट एंड कूल आई थिंक ध्रुव, बिकॉज डी से नेम तो ध्रुव का स्टार्ट हो रहा था या डैड, बट सूरज तो पिछले वाले ध्रुव। या गाइस, हम लोगों को दो कैरेक्टर में कंफ्यूजन था, थोड़ा सा डैड के लिए भी आ सकता था बिकॉज वो जिया उनको डैड बोलती थी सूरज को, लेकिन वो क्योंकि वो पार्ट वन में आ गया था इसलिए ये है ध्रुव। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ध्रुव। हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर बहुत इजीली गेस कर लिया है, अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सबसे पहले आप सभी को हाय बोल रहा है ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने अगर उसका पार्ट वन नहीं देखा है शरारत इमोजी चैलेंज का तो देख लीजिएगा। मैंने शक्तिमान का चैलेंज भी करा था जिसमें मैंने शक्तिमान के कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए थे, तो आपको ये सब चीजें मिलने वाली है फन चैलेंज प्लेलिस्ट में। सो उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। कोई अलग चैलेंज की सीरियल की भी अगर डिमांड है 90s का, कोई आप अलग सीरियल चाहते हैं जिसका मैं इमोजी चैलेंज लेकर के आऊँ, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। अभी जल्दी से चलते हैं इस कैरेक्टर पे। वैसे इसमें जो कैरेक्टर है वो किसमें वो बोल रहा है हाई के लिए या फिर मी के लिए, जैसा कि हमेशा आता है मे के लिए। सो मीता। सो या गाइस, हम लोगों ने ये भी बहुत इजीली गेस कर लिया क्योंकि शरारत मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सीरियल है, इवन अभी भी है। सो मुझे सचमुच में लगता है कि मैं इसमें सारी कैरेक्टर्स गेस कर ही लूंगी। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। ओके गाइस, इसमें जो थर्ड कैरेक्टर है उसमें इसका नेम पी से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक, यानी कि उसका नेम पी से स्टार्ट है एंड कोई फीमेल कैरेक्टर है जिसको डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है अभी तक ऐसा लग रहा है। एंड साथ में कुछ ए एम का यूज किया है। सो ए एम एम आम, यानी कि जिसको मैंगो खाना बहुत ज्यादा पसंद हो, बट मैंगो रानी देवी को तो लड्डू खाना पसंद है, उनके लिए आता तो वो तो आर से स्टार्ट होता। पैम, ये डायलॉग इतनी बार होता है एंड इवन मुझे पता था कि ये भी सीरियल का मेन कैरेक्टर आने वाला है बट हम लोग गैस नहीं कर पाए। इन्होंने क्या करा, पैम इन्होंने पी ए एम लगाया है लेकिन उन्होंने बीच में जो डांसर का यूज करा है उस एम को अलग से लगा दिया ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। कितने लोग जो गेस कर पाए #वनशिप करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके गाइस, इसमें अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नेम हम लोगों ने जस्ट अब भी लिया था कि रानी देवी का एंड आप लोगों ने सबने गेस कर लिया होगा क्योंकि इसमें क्वीन है एंड क्वीन यानी कि रानी एंड देवी के लिए उन्होंने हाथ जोड़ के इमोजी यूज किया है। सो ये है रानी देवी। सो या गाइस, ये तो हम लोगों ने जस्ट देखते ही पता चल गया। आई थिंक ये मुझसे पहले शायद किसी और ने गेस नहीं किया होगा क्योंकि मैंने जस्ट देखा एंड हम लोगों को क्लिक हो गया। सो वेल, कितने लोग हैं जो कि सारे कैरेक्टर गेस कर पा रहे हैं नीचे कमेंट में लिखे मुझे जरूर से बताएगा। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसमें उसने कुछ इस तरीके से कर रखा है, यानी कि कोई मेल कैरेक्टर के लिए आया है एंड साथ में कुछ किंग के लिए आया है। सो बट ध्रुव तो आ चुका है जो कि मेन लीड कैरेक्टर है एंड इसमें किंग राजा, बट राजा के लिए आया है, राजा बट राजा के लिए आया तो उसमें फिर इस तरीके से हाथ करने का क्या मतलब? आई थिंक उसमें कुछ और ट्रिक, थोड़ा सा कंफ्यूज ये राजा के लिए ही है बट फिर इसमें इस तरीके से ये लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ओ माय गॉड, पूरा दिमाग बहुत अच्छे से खराब कर दिया है, अब मैं और गेस नहीं कर सकता। वेल गाइस, कितने लोग हैं जो कि राजा कैरेक्टर को गेस कर पाए नीचे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर से बताएगा। कोई अलग चैलेंज की सीरियल की अगर डिमांड है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई और अलग टाइप का 24 आवर चैलेंज लेके आऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड गाइज, आप लोगों ने अगर मेरा स्पेशल चैलेंज जिसमें मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट के पास में गई थी वो बहुत ज्यादा फनीएस्ट वीडियो जैसा कि मुझे अभी तक भी लगता है, सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो 24 आवर चैलेंज की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंजॉय एंड बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।